कल हमने देखा था किस तरीके से ये महिला आरक्षण बिल सदन से पास होने के बाद जो महिला सांसद थी उन्होंने गुलदस्तों के जरिए, मिठाई के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहीं पर अभिनंदन किया था, उनको धन्यवाद दिया था। और आज ये सिलसिला बीजेपी मुख्यालय में यूं ही जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं बीजेपी महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम में, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों की पंखड़ियों की बौछार करके स्वागत किया गया है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए आपको अभी नजर आ रहे हैं और उनके साथ पार्टी के सांसद, मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंच पर ही नजर आ रहे हैं। ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, मैं बता देता हूँ। नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। यही वाली भी लगे रहे, ये लगा देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, महिलाओं में यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और अब किसी भी पल महिलाओं को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर संबोधन के लिए बुलाया जाए, उससे पहले धन्यवाद और अभिनंदन किस रूप में महिलाएं यहाँ पर करेंगी वो देखना दिलचस्प होगा। पार्टी की कार्यकर्ताएं जो सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहती हैं, उनका अभिनंदन करना चाहती हैं। और देखिए किस तरीके से ये बड़ा सा फूलों का हार जो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लाया गया है। और ये आम महिलाएं हैं, श्रमजीवी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जो जिनको आप देखते हैं कि रोज वो दिन भर मेहनत करती हैं, अपने घर का पालन पोषण करती हैं, वो महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रही हैं, वो महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। पल वाकई में बड़ा है, पल वाकई में ऐतिहासिक है, इतिहास में दर्ज होंगी ये तस्वीरें कि किस तरीके से देश की आधी आबादी जिसे लंबा इंतजार था अपना पूरा हक लेने का, वो इंतजार करती रही, तरसती रही, भटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और आखिरकार मोदी सरकार, 27 साल का इंतजार, 27 साल का सूखा मोदी सरकार ने आकर खत्म किया इस रूप में कि आधी आबादी को उसका पूरा हक दिया। और देखिए किस तरीके से समाज के अलग अलग तबके से जुड़ी ये महिलाएं जो एक एक कर पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर वो जो विपक्ष के आरोप थे कि साहब जो ऊंची जाति की महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो अफसरों की पत्नियां हैं, जो व्यापारियों की पत्नियां हैं, वही राजनीति में आगे आएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस बिल के जरिए वो गरीब पिछड़ी महिलाओं की सुध लेना भूल गए, कहीं ना कहीं उस विवाद पर विराम लगाती। ये तस्वीरें इस रूप में नजर आ रही हैं कि ये समाज के उस पिछड़े तबके से आने वाली महिलाएं हैं जो आमतौर पर इस तरीके के बड़े मंचों पर नजर नहीं आती, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और इसी वजह से ये तस्वीरें अपने आप में एक जबरदस्त पॉलिटिकल मैसेजिंग भी इस रूप में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में किसी तरीके का भेद, नया संसद का भवन इतिहास का साक्षी बनेगा। 72 घंटे में उन्होंने वर्षों के संघर्ष को समाधान तक पहुंचाते हुए महिला आरक्षण बिल पास किया। लोगों ने बाहर जाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, उन्हीं विपक्षी दलों को अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी के बिल का समर्थन करना पड़ा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।